नमस्कार, मैं हूं प्रियांशा और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21 पर देश विदेश व राज्य की 21 प्रमुख खबरें। यूक्रेन से दिल्ली पहुंचे छत्तीसगढ़ के 6 स्टूडेंट्स, ऑपरेशन गंगा के तहत रोमानिया होकर निकाले गए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की मुलाकात। कवर्धा में राकेश सोढ़ी के नेतृत्व में बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में नक्सली, बोले IG OP पाल। रायपुर में स्वामी सत्य स्वरूपानंद महाराज का निधन, वे लंबे समय से बीमार थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यपाल अनुसुईया उइके ने उनके निधन पर शोक जताया है। कांग्रेस को बड़ा झटका, गुलाम नबी आजाद के भतीजे ने थामा भाजपा का दामन, कुलदीप भंडारी ने भी पत्नी के साथ ज्वाइन किया आप। बंगाल निकाय चुनाव में हिंसा और धांधली का मामला उठा, बीजेपी ने बुलाया कल 12 घंटे का बंद, राज्यपाल ने SEC को किया तलब। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने पर हो रहा है 7 से 8 लाख रुपए प्रति घंटे का खर्च, रूस से युद्ध के बीच सरकार का ऑपरेशन जारी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोल्दोवा और हंगरी के विदेश मंत्रियों से की बात, यूक्रेन से भारतीयों की निकासी के लिए जताया आभार। कांग्रेस का केंद्र पर हमला, रणदीप सुरजेवाल बोले यूक्रेन में जीवन और मौत से जूझ रहे हैं भारतीय, पर PM मोदी चुनाव प्रचार में व्यस्त। एक्ट्रेस श्रुति हसन को हुआ कोरोना, पोस्ट लिखकर कहा कोविड को हराकर जल्द करूंगी वापसी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, दूरसंचार सेवाओं में हो रही है समस्या तो उपभोक्ता मंचों का रुख कर सकते हैं मोबाइल यूजर्स। नेवी चीफ बोले अंतर्राष्ट्रीय खतरों से निपटना एक के बस की बात नहीं, सामूहिक क्षमता बढ़ाने में हम निभाएंगे अहम भूमिका। त्रिपुरा में भाजपा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच चले लात घूसे, प्रशासन ने CM विप्लव देव की विधानसभा में लगाई धारा 144। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर बोले राहुल गांधी, कहा हमारे देश को कार्यवाही की जरूरत, PM केवल ध्यान भटकाते हैं। भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों से की अपील, युद्धग्रस्त इलाकों से जाए दूर, सीमा की चौकियों पर जाने से बचे। UP में युवती की हत्या मामले में धरने की धमकी के बाद उन्नाव पुलिस ने सील किए आश्रम के कमरे, सपा नेता के बेटे पर अय्याशी का आरोप। यूक्रेन पर हमले का चौथा दिन, रूस यूक्रेन के बीच मध्यस्थता कर सकता है इसराइल, नफ्ताली बेनेट ने जेलेंसी के बाद पुतिन से की बातचीत। प्रयागराज में अतीक के इलाके में पोलिंग बूथ से 10 मीटर दूर धमाका, साइकिल सवार की मौत, कुंडा में सपा प्रत्याशी पर हमला। मौनी रॉय और सूरज नंबियार की शादी को हुए 1 महीने पूरे, एक्ट्रेस ने फोटो शेयर कर लिखी रोमांटिक पोयम। कानपुर में CRPF जवान की पत्नी की प्रेमी ने गला रेत कर हत्या कर दी है, महिला का शव कानपुर देहात क्षेत्र के नाले में पड़ा मिला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन से पुतिन की छुट्टी, यूक्रेन पर हमले के बाद प्रेसिडेंट पद से हटाया गया, रूस के साथ फुटबॉल नहीं खेलेंगे पोलैंड स्वीडन। राजकुंद्रा पोर्नोग्राफी केस में पूनम पांडे बोली, शिल्पा शेट्टी ने मुझे कभी संपर्क नहीं किया, मुझे उनके लिए बुरा लगता है। ऐसी ही तमाम जानकारियों से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।